हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ अन्नपूर्णा और आपका स्वागत है मेरे किचन में। आज मैं बनाने वाली हूँ इंस्टेंट आटे का हलवा। ये हलवा बहुत ही जल्दी बनेगा, बहुत ही टेस्टी बनेगा और बिल्कुल भी चिपचिपा नहीं बनेगा। इसके लिए मैंने लिया एक कटोरी आटा, गेहूं का आटा नॉर्मल जो हम लोग रोटी बनाते हैं, उसके अलावा एक कटोरी शक्कर, एक कटोरी घी है और ये फूड कलर ये कम्प्लीटली ऑप्शनल है। उसके अलावा मैंने लिया है ड्राई फ्रूट, उसमें लिया है काजू, किशमिश, बादाम और हरी इलायची फ्लेवर के लिए। सबसे पहले मैंने रखा है एक पैन, पैन जैसे ही गर्म हो गया उसमें मैंने डाला है घी। घी मेल्ट हो जाएगा उसके बाद मैं इसमें करूँगी ड्राई फ्रूट फ्राई। अगर मैं जो मेजरमेंट बता रही हूँ उसके अकॉर्डिंग आप बनाओगे तो आपका हलवा बिल्कुल भी चिपचिपा नहीं बनेगा, बहुत ही जल्दी बनेगा, बहुत ही टेस्टी बनेगा और एकदम खिला खिला बनेगा। मैंने काजू बादाम को फ्राई कर लिया, अब मैंने इसमें डाला है किशमिश। अब किशमिश भी फ्राई हो गए, मैंने निकाल रही हूँ एक बाउल में। अब मैं इसी घी में आटा डाल के भूनूंगी। ट्रेडिशनली जो आटे का हलवा होता है उसमें थोड़े दरदरे आटे का इस्तेमाल किया जाता है, बट यहाँ पे मैं नॉर्मल गेहूं का आटा इस्तेमाल कर रही हूँ जिससे हम लोग रोटी बनाते हैं रेगुलर। अब मैंने आटा डाला है, आटा डाल के इसको धीमी आंच पे लगातार चलाते हुए मिक्स करूँगी तब तक जब तक इसमें से खुशबू ना आए या ये हल्का ब्राउनिश ना हो जाए। इसे हमें धीमी आंच पे लगातार चलाते हुए मिक्स करना है, अदरवाइज ये जल जाएगा। अब मैंने इसमें डाला एक कटोरी शक्कर, एक कटोरी शक्कर, एक कटोरी आटा, एक कटोरी घी। मेरे बच्चे मीठा ज़्यादा पसंद करते हैं इसलिए मैंने एक कटोरी शक्कर डाला। अगर आप ज़्यादा मीठा पसंद नहीं करते तो आप आधी कटोरी या 3/4 अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम कर सकते हैं। मैं इसे अच्छे से मिक्स कर रही हूँ, शक्कर भी थोड़ा सा मेल्ट हो गया है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ एक कटोरी पानी, ये नॉर्मल पानी है, गर्म पानी नहीं है। उसके बाद मैंने इसमें डाला फूड कलर, ये कम्प्लीटली ऑप्शनल है, जस्ट अट्रैक्टिव लगे, सुंदर दिखे इसलिए मैंने इसमें फूड कलर का इस्तेमाल किया है, आप इसे स्किप कर सकते हो। पानी डालने के बाद हमें लगातार धीमी आंच पे चलाते हुए मिक्स करना है, अदरवाइज उसमें गुठलियाँ पड़ जाएंगे अगर हम लोग बीच में रुक जाएंगे तो, और गैस का फ्लेम भी हमें स्लो ही रखना है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ कुटी हुई इलायची और ड्राई फ्रूट जिसे हमने फ्राई करके रख लिया था। ये आटे का हलवा बहुत ही जल्दी बनता है, बस रेशियो करेक्ट होना चाहिए और इसे धीमी आंच पे अच्छे से भुनना है। आटे का हलवा बनके रेडी है, अब मैं इसे ढक के गैस का फ्लेम ऑफ कर दे रही हूँ। अब मैं इसे कर रही हूँ सर्व। आप भी ये आटे का हलवा बनाइए, इंस्टेंट आटे का हलवा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।